एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नायका का पर्ल प्लस हाइलुरोनिक एसिड फॉर ग्लोइंग एंड मॉइस्चराइज स्किन। दिस इज़ अ शीट मास्क फ्रॉम नायका एंड इसमें है पर्ल एक्सट्रैक्ट्स जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और मॉइस्चराइज बनाता है, और इसमें है हाइलुरोनिक एसिड एंड दिस इज़ मेड इन कोरिया प्रोडक्ट। एंड इसका ये जो शीट मास्क है ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदी है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से इसे परचेज कर लेना। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग अ पर्ल मास्क। तो बैक साइड में आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ अ शीट मास्क रिकोगनाइज फॉर इज ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज वर्ल्ड वाइड। पर्ल रिड्यूसेस द जेनरेशन ऑफ मेलानिन एंड गिव्स यू विजिबली ब्राइटर रेडियंट स्किन। तो पर्ल एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं वो हमारी स्किन के मेलानिन प्रोडक्शन को कमाता है और हमारी स्किन को ब्राइटर और रेडियंट बनाता है। हाइलुरोनिक एसिड होल्ड्स इन मॉइस्चर बूस्टिंग हाइड्रेशन फॉर फोर्टिफाइंग द स्किन्स नेचुरल बैरियर्स टू हेल्प लॉक मॉइस्चर इन फॉर एन इवन मोर ड्रामेटिक हाइड्रेटिंग इफेक्ट। तो ये आपके स्किन को स्किन का जो भी मॉइस्चर है वो लॉक करता है और आपके स्किन को हाइड्रेट और बहुत ही अच्छा एक लुक देता है, दस रिजल्टिंग इन अ फर्मर यंगर लुकिंग स्किन। तो ये आपके स्किन को और भी फर्म करता है, टाइट करता है और आपकी स्किन को और भी यंगर लुकिंग बनाता है। दिस पावरफुल पेयर ऑफ इन्ग्रीडियंट्स गिव्स यू अ ग्लोइंग फर्म स्किन। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग और फर्म बनाता है। Unhold and lay over clean and toned skin. Relax for 10 to 15 minutes. तो ये आपके स्किन के ऊपर 10 से 15 मिनट तक आपको इसे रखना है। Remove the mask and gently pat excess serum onto your skin until fully absorb. तो ये आपके स्किन के ऊपर 10 से 15 मिनट तक रखना है एंड ताकि पूरा जो सेरम है इसका ये फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाए। तो स्टेप वन है क्लेंस अप्लाई, स्टेप टू, स्टेप थ्री है रिलैक्स, स्टेप फोर पील ऑफ एंड स्टेप फाइव मैसेज। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी पैराबेन नहीं है एंड कॉशन पे लिखा है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आइज। तो इसे आपके आइज से दूर ही रखना है। इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ आइज रिंस इमीडिएटली विथ वाटर। तो आपको इसे अगर आपके आँख में चला गया है तो आप इसे पानी से धो लेना। कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन, तो उसे बच्चों से दूर रखना। अवॉइड एक्सपोजर टू लो और हाई टेम्परेचर, इसे सनलाइट से, डायरेक्ट सनलाइट से दूर ही रखना। डो नॉट यूज़ ऑन चिल्ड्रेन अंडर 3 ईयर्स ऑफ एज, तो इसे 3 ईयर्स के बच्चों को ना ही यूज़ करने देना चाहिए। यूज़ इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग, तो आपको इसे ओपन करने के बाद ही इमीडिएटली यूज़ करना है, यहाँ पे लिखा है। एंड दिस इज़ अ क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट एंड यहाँ पे इसका ऑफिस का एड्रेस सब दिया है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदी है, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो। तो जब भी आप शीट मास्क आप कब ट्राई करोगे, जब भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है स्किन केयर करने के लिए, तो आप उससे पहले, सपोज़ आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है स्किन केयर करने के लिए, स्किन केयर में तो 5-6 स्टेप्स होते हैं, तो इफ़ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम तो आप ये एक शीट मास्क आप लगा सकते हो इंस्टेड ऑफ स्किन केयरिंग। एंड आप चाहो तो मेकअप करने से पहले भी आप यूज़ कर सकते हो, कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैवलिंग पे भी जा रहे हो, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो आप चाहो तो इसे यूज़ करने से पहले 10-15 मिनट आप पाँच दस मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में आप रख सकते हो यूज़ करने से पहले, ताकि आपको कूलिंग सेंसेशन मिले। तो ये जो शीट मास्क है मैं इसे ओपन करके अप्लाई करती हूँ अपने फेस के ऊपर। तो ये है नायका का पर्ल शीट मास्क। तो यहाँ पे कट मार्क है और मैं इसे भी ओपन करती हूँ। इसका अरोमा ठीक ठाक ही लगा मुझे, ये सेरम ड्रिप कर रहा है यहाँ से। तो मैं इसे जल्दी से इसे अनफोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ। ऊपर गिर गया।
नो नॉट नॉट एन इश्यू। तो मैंने इस शीट मास्क को मैंने इसे लगा ली है, मैंने इसे अप्लाई कर ली है और इसे आपको 10 से 15 मिनट तक आपको इसे रखना है। और अगर आपको कोई काम है तो आप इसे कर सकते हो। तो अभी 10-15 मिनट के बाद मिलते हैं। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं, आप चाहो तो इसे 15 मिनट तक भी रख सकते हो। तो मैंने ना अप्लाई करने से पहले मैं एक बात बताना भूल गई कि आपको इसे क्लीन फेस पे ही इसे अप्लाई करना है। तो मेरा फेस, मैंने पहले फेस वॉश की थी तो मेरा फेस क्लीन थी, तो इसीलिए मैंने ये मास्क मैंने अप्लाई की है। तो आपको इसे क्लीन फेस पे ही इसे अप्लाई करना है, फेस वॉश कर लेना अच्छे से, उसके बाद ही इसे अप्लाई करना। तो मैं इसे भी रिमूव करती हूँ। वाओ, मेरा स्किन अभी से ही बहुत ही ग्लो कर रहा है, मुझे आई कैन सी इट फ्रॉम हियर। से आप लोग भी देख सकते हो मेरा स्किन और भी ग्लोइंग कर रहा है पहले से। तो आपको एक्सेस जो भी सेरम है आपको ऐसे अच्छे अच्छे से टैप टैप करके ऐसे मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, ताकि अच्छे से जो भी सेरम है वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, ये पर्ल वाला वेरियंट मैंने पहले, दिस द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट। तो इससे पहले मैंने पर्ल वाला कोई भी मतलब शीट मास्क मैंने यूज़ नहीं की थी। तो ये था आज का मेरा वीडियो नाइका पर्ल हाइड्रेटिंग शीट मास्क के ऊपर। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हो, ये वाला शीट मास्क मुझे पसंद आया है, तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हो। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।